हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल एंड स्टेबल। अगला दिन लग चुका है और आज खाने में बनी है इडली और सांभर, तो मैं आपको दिखाती हूँ ये दिखने में कैसे। तो ये है हमारा सांभर और ये है हमारी इडली, तो अभी इन्हें खा के देखते हैं कैसे। बारिश ऊपर है और मैं ऊपर पड़ रही है, पहुंच गए हैं गेस्ट रूम में और यहाँ पे हमारी ख्वाहिश में बड़ी बच्ची आई है, समझदार बड़ी देखी है। गाइस यहाँ पे आप कलेक्शन देख सकते हैं मेरे मौसा जी की, एक से एक कलेक्शन। सो ये है हमारा गेस्ट रूम और ये बेड और यहाँ पे लगा हुआ है एंड ये कर्टेन। और यहाँ से व्यू कुछ ऐसा है बाहर का, हमारे गेस्ट रूम का पूरा व्यू। यहाँ पे हमारी ख्वाहिश मैडम पढ़ रही है और ये है हमारी दूसरी वाली बालकनी छोटे वाली, तो अब जब यहाँ पे वॉश बेसिन एंड ये था हमारा मतलब थर्ड फ्लोर के गेस्ट रूम का टूर। गाइस मैं तो गाने सुन रही हूँ और बस मुझे गाने सुनना काफ़ी पसंद है, तो मैं गाने सुन रही हूँ। हम लोग बाहर जा रहे हैं कायरा का दूध लेने और शेक पीने। गाइस मैं ब्लॉगिंग करना भूल गई थी आज थोड़ा, क्योंकि मैं सो गई थी, मैं पता नहीं आज मेरे को नींद आ गई तो मैं सो गई थी। तो अभी मैंने सोचा कि बाहर घूम के आते हैं, तो मैं बाहर जाकर ब्लॉग बनाऊंगी, तो देखते रहा है मेरा ब्लॉग। आप आ गए बाहर और अभी बनने लगे। हमने सोचा कि इतना शेक बनने का। गाइस हम लोग वापस आ गए हैं शेक पीने के लिए। वो ये रहे हमारे शेक, मेरे पास है चॉकलेट और किंजल के पास है ओरियो। हम फिर से थोड़ा सा और घूमने जा रहे हैं, फिर हम जाएंगे थिया और कायरा का दूध लेने। तो जल अभी अंदर गई है थिया का दूध लेने के लिए, मिल्क पाउडर वाला, सो अभी वो लेके आएगी। मैं बाहर खड़े होकर उसका वेट कर रही हूँ। जाना पड़ रहा है, हमें वापस घर जाना पड़ रहा है क्योंकि हमारे पैसे कम पड़ गए।
दूध था 910 का, इसके पास सिर्फ 850 रुपये। तो अभी हम घर जाते हैं वापस और पैसे लेते हैं। पर मुझे इतनी गंदी लुक दे रहे थे ना ऐसे। तो ये ऊपर से आ गए पैसे लेके, अभी हम वापस से जा रहे हैं दूध लेने। आप भी मांगे मत कर दो। वेरी बैड हो गया। हंसू अब? फाइनली हमारा टास्क कंप्लीट हो गया है ना किंज। क्या लेना है? नजर बंद। क्या बोल रहे? नजर ही। हाँ बस चलो दो दिन नहीं आएंगे। क्या हुआ? तो मेरी बहन नहीं है। तो गाइस हमने नजरिए भी ले लिए हैं। हम और दूध लेने जा रहे हैं, दूसरे वाला पॉलिथीन वाला। तो ओके पॉलिथीन वाला ही तो है फिर वो। ऑल सामान डन। और एक लाहौरी जीरा भी लिया है इसे अपनी। हम वापस घर जा रहे हैं। आप चलते घर। आज वाटरमेलन बनी हुई है, इसके टॉप से लग रहा है, इसका टॉप वाटरमेलन स्टाइल है। और ये काफ़ी क्यूट लग रही है। थिया 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 इज बिजी इन फोन। इज मेकिंग चटनी टुडे, रोस्टेड टमाटोज एंड रोस्टेड गार्लिक की चटनी। Aish is cutting the onions. ये आगे क्या करना है? अब हम कर रहे हैं गार्लिक रोस्ट। इसके बाद रखेंगे टमाटर को ठंडा होने के लिए साइड में। तो अभी आपने क्या डाला है? सरसों का तेल। इसे गर्म होने देंगे और चलते टमाटरों को साइड में लेकर। गर्म है ये, तेल हो चुका है गरम। इसमें डालेंगे गार्लिक। अब इनको करेंगे जब हम करेंगे गार्लिक की कुटाई। इसकी फ्रेग्रेंस काफी अच्छी आती है रोस्टेड गार्लिक। इसे भी फास्ट फॉरवर्ड में डाल दीजिए। गार्लिक की अच्छे से हो चुकी है कुटाई। फाइनली हमने इनको कूट डाला। टमाटो
अब हम करेंगे इसमें धनिया ऐड एंड सिट वेल। इसमें धनिया हमें कम लग रहा है तो थोड़ा और धनिया डालें। धनिया हेल्दी होता है, तो मैं सारा धनिया मैंने जितना भी काटा था। सो गाइस हमारी चटनी हो चुकी है एकदम रेडी। सो ये थी हमारी आज की रेसिपी। इस खाने में सांभर, डोसा एंड टमाटर की चटनी, और ये बहुत टेस्टी बना हुआ है। तो अभी खा लेते हैं मैं खाना, फिर मिलते हैं। हमने खाना खा लिया और खाना खाने में बहुत टेस्टी था। सो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय, टेक केयर।